हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टेरेन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस। इससे आज हम लोग का नया चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और ये फोर्स पे वर्क करेगा, क्योंकि बिना फोर्स के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं वर्क करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोशन एंड फोर्स की। बात करते हैं मोशन एंड फोर्स होता है क्या, ये हम लोग जान लें। मोशन एंड फोर्स क्या होता है? देखिए, अगर कोई वर्क हो रहा है उसमें पुश हो रहा है, मतलब आप किसी वर्क पे पुश कर रहे हैं। मतलब मान लो आपने गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी लेके आप बाहर निकले ट्रेवलिंग करने, वो गाड़ी बंद हो गई तो आप क्या करेंगे? आप गाड़ी से उतरेंगे और धक्का लगाना स्टार्ट। अगर बाइक है तो आप अकेले धक्का लगा लेंगे, और अगर आपकी फोर व्हीलर है तो आप दो चार लोगों को देखेंगे, दाएं बाएं देखेंगे और उनसे हेल्प मांगेंगे कि भाई धक्का लगा दे, गाड़ी एक तरफ हो जाए। ठीक, तो आपने उसमें क्या करवाया? पुश करवाया ना। पुश करने पे क्या हुआ? उसमें फोर्स लगा लोगों का, और जब फोर्स लगा तो वो उस जगह से दूसरी जगह चली गई, चेंजमेंट हुआ। तो मोशन एंड फोर्स, पुश मतलब पुश किया, किसका किया? फोर्स का किया। किसका किया? फोर्स। क्योंकि पुश आप करोगे, धक्का लगाओगे भाई, तो फोर्स तो हो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। और जब फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो वर्क होगा। क्या होगा? एंड वर्क। वर्क भी होगा, और वर्क होगा तो चेंजमेंट भी होगा। क्या होगा? चेंजमेंट भी होगा। मैं न्यू तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है? मैं न्यू तरीके से बता रहा हूँ, वही किताबों में छपा हुआ लिखा हुआ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का माइंड इतना बड़ा है और सेरिब्रम पे हमें वर्क लोड भी नहीं देना है कि पॉइंट को लेकर चलना है। यानी मोशन एंड फोर्स, पुश फोर्स का काम होगा, वर्क होगा और चेंजमेंट जरूर होगा, और जब चेंजमेंट होगा तो मोशन एंड टाइम या मोशन फोर्स जरूर लगेगा। अब इस हम बात करते हैं फोर्स की। हम लोग साइंस के फोर्स की बात कर रहे हैं, सेना के फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। यहां पर जो साइंस में फोर्स चल रहा है, ये भी एक दबाव है, बल है, और जो हमारी सेना है वो भी फोर्स है, और उसका भी एक दबाव रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? तो देखिए, फोर्स की बात करते हैं। फोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ ख्वाबों में जीते हैं, कुछ ख्यालों में रहते हैं। कुछ ख्वाबों में जीते हैं, कुछ ख्यालों में रहते हैं, और हम लोग तो वो हैं जो अपनी सेना के जज्बे पे बार बार मरते हैं। तो इससे अब आते हैं फोर्स पे, क्योंकि अब टॉपिक इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट को जगाना भी जरूरी है। फोर्स जो होता है वो टू टाइप होता है, यानी फोर्स में भी दो प्रकार आ गए। एक आया बैलेंस, एक आया अनबैलेंस। एक आया बैलेंस्ड, दूसरा क्या है? अनबैलेंस। मतलब बैलेंस का मतलब संतुलित बल, अनबैलेंस का मतलब असंतुलित बल। मान लो दो टीमें हैं, आपने एक गेम देखा होगा रस्सी वाला। दो टीमें हैं, मान लेते हैं, मैं फिगर की तरह समझा दूंगा, यहां स्पेस है, ये ए है, ए टीम है, ये बी टीम है, इनके बीच में रस्सी है, एक घसीट रहे हैं। दोनों टीमों के पास बराबर बराबर खिलाड़ी हैं और घसीट रहे हैं। जब तक ये दोनों ताकत लगाएंगे ए और बी, तब तक तो बैलेंस फोर्स रहेगा, और जिसका फोर्स ज्यादा बढ़ा तो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, वो टीम हार जाएगी और उसकी रस्सी पूरी चली जाएगी। ये देखा होगा आपने। तो बैलेंस क्या है? जब तक दोनों तरफ से फोर्स लगेगा बराबर तो बैलेंस, और कहीं कम ज्यादा हो जाए तो अनबैलेंस। फिर हम बात करते हैं इनर्सिया की, बात करते हैं जड़त की, बात करते हैं। देखिए, जड़त क्या होता है? कोई वस्तु है वो विराम में भी रहती है और गति में भी रहती है। मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में भी रहती है और पोटेंशियल एनर्जी में भी रहती है, लेकिन उसकी स्टेट चेंज नहीं होती है, वो जड़त कहलाती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो विराम में भी रहे, गति में भी रहे, लेकिन उसकी स्टेज में कोई चेंजमेंट ना हो, वो इनर्सिया कहलाती है, जड़त कहलाती है। इसके भी टाइप्स दो हैं, एक रेस्ट है, एक मोशन। एक रेस्ट है, दूसरा क्या है? मोशन। रेस्ट क्या है? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, वो विराम में तब तक रहती है
जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बहाबल ना लगाया जाए। मोशन क्या है? अगर मोशन में कोई बाहकारक बहाबल लगाया जाता है तो वो वस्तु में चेंजमेंट स्वतः हो जाता है, वो मोशन कहलाता है, यानी गति कहलाती है। हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अब स्टार्ट हुआ है। न्यूटन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल है। मैं इनको इनका एक एग्जांपल बताता हूं। एक बार न्यूटन कैप लगाए थे और घर से निकले और जहां पर इनका घर था वहां सेब का पेड़ था। ये निकले और एक सेब इन्हीं के जस्ट सामने गिरा जाके न्यूटन ने सोचा ये सेब हवा चल रही थी, उड़ना चाहिए, ये एकदम से नीचे क्यों गिर गया। न्यूटन ने उस सेब को तो नहीं उठाया, जो न्यूटन कैप लगाए थे टोपी, उस टोपी को निकाला सर से और ऊपर की तरफ फेंका, वो नीचे गिर गई। फिर एक बार निकाला, लगाया, फिर फेंका, फिर वो नीचे गिर गई। दो चार बार इन्होंने ऐसा वर्क किया, इनके दिमाग में तरंगे आने लगी, ये सोचने की क्षमता आने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये घर पहुंचे और इस बात पे सोचने में लगे कि ऐसा क्या कि जब लोग कोई चीज को ऊपर फेंकते हैं वो हमारी अर्थ में कैसे गिरती है। और एक दिन ऐसा हुआ कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज कर दी और न्यूटन्स लॉ आए। फिर न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने तीन नियम दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब बात यहां पर यह भी आने लगी कि न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नियम थे, ये इसके नाम क्या रखे जाए। तो हमारे उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूटन के जो लॉ थे, लॉ मोशन था, उसे न्यूटन का ही नाम दे दिया गया। मतलब ये ना समझेगा न्यूटन, ये न्यूटन एक साइंटिस्ट का ही नाम है जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज। अब न्यूटन ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बताया। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया मैं आपको ये बता रहा हूं। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में ये बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो पोटेंशियल स्टेज में हो या काइनेटिक एनर्जी स्टेज में, काइनेटिक स्टेज में, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु गति अवस्था में हो या विराम अवस्था में हो, वो तब तक उसी स्टेज में रहती है जब तक उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने ही इनर्सिया पे वर्क किया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने ही इनर्सिया पे वर्क किया। ये क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूटन के किस लॉ ने जड़त पर वर्क किया, फर्स्ट लॉ ने किया। टॉपिक पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चनों पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं और आने वाले कंपटीशन में या एकेडमिक एग्जामों में जब भी बाहर से पेपर बन के आता है तो एक्सरसाइजों से कोई क्वेश्चन नहीं लिख के देता हम लोग को कि एग्जाम में कर लीजिए। वो टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन बनाता है और सर्च करता है कि इनको टॉपिक कितना क्लियर है। तो मैं आपको टॉपिक ही क्लियर कर रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ इनर्सिया पर डिपेंड था। इनर्सिया जो जड़त था वो फर्स्ट लॉ पे वर्क किया, क्योंकि इनर्सिया की जो डेफिनेशन है वही फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है। तो न्यूटन ने का फर्स्ट लॉ ने इनर्सिया पे वर्क किया, मतलब इनर्सिया किस पे डिपेंड है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। सेकंड लॉ न्यूटन का क्या था? न्यूटन ने सेकंड लॉ में ये बताया कि अगर कोई वस्तु पर बल लगाया जाए, आप लोग एक बात ध्यान कीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा भी कोई वेट होगा, मैं इसमें मार्कर लिए हूं, मार्कर का भी कोई वेट होगा, मैं इस हाथ में लेफ्ट हैंड में पॉइंटर भी लिए हूं, इसका भी कोई वेट होगा, होगा कि नहीं होगा। जब किसी वस्तु का फोर्स बल और त्वरण, फोर्स और उस पर त्वरण जब वर्क करता है, तो यहां पर डिफिनेशन ये कहा गया, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के बल की दिशा के त्वरण के गुणनफल हो या अनुक्रमानुपात हो, वो न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाता है। न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या बताया गया? न्यूटन ने थर्ड लॉ में क्या लिखा, क्या बताया? न्यूटन ने थर्ड लॉ में सिर्फ यही बताया कि कोई भी क्रिया है
किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की, उसका एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों इक्वल हो, न्यूटन थर्ड लॉ। अब हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की, बात करते हैं मोमेंटम को संवेग कहते हैं। संवेग को हम लोग स्मॉल पी से शो करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है एमवी बनता है, मैं फॉर्मूले से डिफिनेशन आपको तैयार करवाऊंगा। पी इक्वल एमवी ये फॉर्मूला है, इसी से डिफिनेशन बनेगी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। यानी एक ऑब्जेक्ट दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो फार्मूला से ही डिफिनेशन बन गई, क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट डिफिनेशन याद करते हैं और एग्जाम टाइम में उनके दिमाग से साफ हो जाता है, भूल जाते हैं, लेकिन फार्मूला तो नहीं भूलते हैं। तो फार्मूला दिमाग में रखिए, डिफिनेशन खुद ही तैयार होगी। आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको साइंस के लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।